हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू यूकेएससी ऑफिशियल। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 11, बहुत ही जोरदार सम है। मैंने यहाँ पे कुछ सम के अंदर से सीक्वेंस बनाए हैं। ये एक इलस्ट्रेशन है आपके अंदर, शायद से इलस्ट्रेशन नंबर 11 है आपके टेक्स्ट बुक का। इस सीक्वेंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस नंबर 1 दे देंगे हम लोग, ये सीक्वेंस नंबर 2 दे देंगे, और इसे हम लोग दे देंगे सीक्वेंस नंबर 3। ये जो ट्रांजेक्शन है, अगर ये कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये चैप्टर का हम लोग पूरा का पूरा, अगर जानना पूरी कथा सुन लेनी, सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए, वैसा करना। तो ये तीन को अच्छी तरीके से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में से ये जो सिक्वेंस है उसमें से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन आपके एग्जाम के अंदर होंगे और होंगे। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये सिक्वेंस के ऊपर। तो सीक्वेंस मैंने कुछ नहीं, ये डेट है बेसिकली, उस डेट की मैंने सीक्वेंस लेके रखी हुई है। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे इसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फ्रेट 200,000 ऑन अवर भी आप, मतलब खर्चा हमारा था, पर रॉयल स्टोर्स वालों ने बोला हम पैसा दे देंगे। मैंने बोला ठीक है आप लोग दे दो, मैं आपको पैसा आप टोटल करके दे दूंगा। तो मैंने टोटल 27,000 देने थे, और 27,000 के अंदर कुछ और खर्चे हो गए, तो मुझे 27,000 का परचेज हो गया मेरे पास। तो 27,000 का ये प्लस मेरा रेलवे फ्रेट का खर्चा था वो कितना था, 200 रुपये, प्लस मेरा वेजेस जो था वो 1,000 रुपये। ये सारे खर्चे मेरे थे, इसलिए मैंने अपनी बुक के अंदर दिए। तो रॉयल स्टोर वालों को 27,000 रुपये नहीं देने होंगे, मुझे देने होंगे 28,200 रुपये। तो टू रॉयल स्टोर्स अकाउंट 28,200 रुपये। अब हुआ यूं कि गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स, आउट ऑफ विच हमने जो 27,000 के गुड्स खरीदे उसके अंदर 15,000 के गुड्स थे, वो भगवती को बेचे 10% ट्रेड डिस्काउंट। रुकना मेरी बात सुनना, आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट। अच्छा, इसमें से कुछ गुड्स थे 15,000 के, उस पर हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया। पहले प्रॉफिट ऐड होता है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया 20%, 3,000 रुपये हो जाते हैं। कैलकुलेटर साथ में रखो इसलिए आपका भी काम इजी हो जाए। 18,000 यहाँ तक समझ में आई बात है, 18,000 तक। अब कहानी समझना, उसके ऊपर हमने दे दिया डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये हो जाते हैं 1,800 रुपये। ये 1,800 रुपये हमने कम कर दिए, तो ये हो गया 16,200। दैट मीन्स ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, 15,000 के गुड्स थे वो मैंने बेचे कितने में, 16,200 पे बेचे। अब कहानी आगे बढ़ते, पेड रेलवे फ्रेट एंड ऑन देयर बिहाफ, मतलब खर्चा किसका था, सामने वाली पार्टी का था। तो हमें तो क्या है, खाली जेब से पैसा दें। उसने बोला सेठ जी आप साथ साथ में इतना पैसा दे दोगे, तो मैं आपको जब पेमेंट करूंगा माल का, जब पेमेंट करूँ तब ये भी पेमेंट कर दूंगा। हमने बोला ठीक है भाई कर देता हूँ। तो भगवती ट्रेडर्स को हमने माल कितने का बेचा, हमने माल बेचा 16,200 का। ओके, तो सेल्स के अंदर आएगा 16,200। इसके अलावा जेब के अंदर से हमारे पैसे गए 1,500 रुपये, तो वो हो गए 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये और हमारे जेब से चले गए, तो टोटल उसके पास से लेने कितने, हमारे पास से टोटल उनके पास से लेने 17,700 रुपये। 17,700 रुपये, तो ये हमारी एंट्री होगी भगवती कैश टू सेल्स। अब आगे जाते हैं, भगवती ने कुछ रिटर्न कर दिए गुड्स, भगवती को हमने बेचे थे, भगवती ने हमने रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो हमारी एंट्री हो जाती है सेल्स रिटर्न टू भगवती ट्रेडर्स 540 के गुड्स रिटर्न कर। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लिखा है विच वी हैव रिटर्न बैक टू रॉयल स्टोर्स। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, हमने खरीदा था रॉयल के पास से, बेचा था भगवती, भगवती ने वापस किया, तो हम किसे वापस कर देते हैं, रॉयल को वापस कर, एंट्री हो जाएगी सर, मुंह पे एंट्री हमारे, बोल देते तुरंत भाई रॉयल टू परचेस रिटर्न, एंट्री सही। अमाउंट कौन सी सर, अमाउंट 540। अरे मुन्ना भाई यहीं पे तो आपने गलती कर ली भाई, आपने गलती क्या कर ली भाई, अगर मान लो ये मैं पेन जो है वो 10 रुपये की थी, मैं उसके पास से लेके आया भाई, मैंने उससे बहुत सारी मगजमारी की, 10 रुपये की पेन थी, उसने बोला मैं आपको 8 रुपये में दूंगा, मैंने बोला ठीक है 8 रुपये। मैं बेचने गया किसी और के पास, मैंने उसे बोला ये पेन 15 रुपये की है भाई तू खरीदेगा, उसने 15 रुपये से और कम कर दो, मैंने बोला 12 रुपये में दे दूंगा, चल 12 रुपये में दे दी। वो घर पे गया, उसे पेन अच्छी नहीं है, उसने बोला रिटर्न कर देता हूँ, मैंने बोला ठीक है तूने 12 रुपये दिए थे ये ले 12 रुपये पकड़। क्या हुआ, तो कि बराबर चल नहीं रही, मैंने बोला ठीक है मैं आगे जाता हूँ। मैं वापस से उस दुकान पे गया, मैंने बोला ये पेन कैसी दे दी थी, वापस रखो पेन, मुझे नहीं चाहिए पेन, मुझे मेरे पैसे वापस करो। अब वो मुझे क्या 12 रुपये वापस करेगा या 8 रुपये वापस करेगा, लॉजिक लगाओ। आप बोलो सर 8 रुपये ही तो वापस करेगा, समझ में आ रही है बात है। वो तो बोला मुझसे कितने में खरीदी थी आपने, 8 रुपये में, अगर मेरी पेन मैं आपको उसको वापस कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कितने रुपये वापस करे, 8 रुपये ही वापस करे। तो ऐसे केस में सर क्या करें, जब कुछ खरीदा हो उसमें कुछ प्रॉफिट और बेचा,
और बेचने का वो वापिस आया और वापिस हमें करना है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो याद रखो एक मंत्र, मंत्र का नाम है SPCP, SPCP, मेरे साथ बोलो SPCP, बोलो 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 वापिस से SPCP, SPCP। तो मैंने यहाँ पे कर दिया SP, मैंने यहाँ पे कर दिया CP। भाई मैंने अगर याद हो तो ये मैंने वर्किंग बनाया था, 16200 का मेरा सेल्स प्राइस था जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 15,000 रुपये। तो 16200 आंसर आएगा 500, तो यहां पे आ गया 500। अब कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जी, वो सर हमने तोड़ निकाल दिया। मैंने बोला क्या तोड़ निकाल दिया बच्चा आपने? सर ये 540 आए तो 500, 640 होता तो 600, ये राउंड फिगर ही होता है। यहाँ पे गलती करोगे, आगे वाली सीक्वेंस में गलती करोगे। अब हम लोग जाते हैं रॉयल ट्रेडर, रॉयल ट्रेडर को हमने 100 रुपये डिस्काउंट के साथ उसका फाइनल सेटलमेंट कर दिया। अब रॉयल ट्रेडर्स को देने कितने रुपए थे? हमें रॉयल ट्रेडर्स को देने थे 27,000 रुपये। देखो 27,000 का गुड्स हमने परचेस किया था, ध्यान से देखो 27,000 का गुड्स, उस पर हमने कुछ रिटर्न भी किया होता 500 रुपये का, तो बच रहे थे उसके पास 26,500। उस 26,500 में 100 रुपये हमने और काट लिए तो ये हो गया 26,400। तो हमने उसे चेक कितने का दिया होगा? 26,400 का। हमने 100 रुपया उसका डिस्काउंट काट लिया तो टोटल उसका हो गया 26,500 का पैसा देने वाला। तो रॉयल ट्रेडर्स टू डिस्काउंट टू बैंक, हमारी यहाँ पे ये एंट्री होगी। अब आते हैं 19वें, आफ्टर डिडक्टेड 100 रुपये इश्यूड टू रॉयल ट्रेडर्स एज ए फाइनल सेटलमेंट। अब रॉयल ट्रेडर्स को देने कितने रुपये थे? एक तो हमने गुड्स खरीदे थे और दूसरे हमने बोले थे रेलवे फ्रेट और वेजेस। हाँ सर याद आ गया, याद है। कितने थे? 28,200 रुपये। 28,200 में से 28,200 रुपये देने थे, उसमें से हमने रिटर्न कितने के किए थे गुड्स? तो वो थे कुछ 500 रुपये के गुड्स, तो हमारे पास देने बनते थे कुछ। उसमें से भी हमने क्या किया, 100 रुपये का और डिस्काउंट काट लिया तो हमने दिए होंगे 27,600। तो हमने रॉयल ट्रेडर को देने थे 27,700 रुपये, 100 रुपये हमने डिस्काउंट काट लिया और हमने दिए 27,600 रुपये। हमने कितने दे दिए? 27,600 रुपये दे दिए। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे, तो ये चीज़ हो चुकी है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है, सब कुछ अच्छी तरीके से आप लोगों ने देख लिया, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, क्या तरीके से होता है, वो सारी बातें हमने देख ली। सीक्वेंस नंबर 1 हमने ये पूरी चीज़ समझी, सीक्वेंस नंबर 2 और कॉम्प्लिकेटेड होगी और आगे जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीक्वेंस नंबर 2। सीक्वेंस नंबर 2 के अंदर सबसे पहला ट्रांजेक्शन गुड्स ऑफ रुपीज 50,000। अब देखो मैंने सीक्वेंस एक साथ करके दिया, आपके एग्जाम में ऐसा होगा ये पहला ट्रांजेक्शन, फिर बीच में कुछ कहानी होगी, फिर वापस से कोई ट्रांजेक्शन। तो आपको वर्किंग नोट है ना बहुत अच्छी तरीके से बनानी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर है, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट पेज पर जाके स्क्रिबल करते हैं, वो फिर मिलता ही नहीं है कौन सी अमाउंट है क्या है क्या नहीं। इसलिए मैं किस तरीके से नीट एंड क्लीन काम कर रहा हूँ उसी तरीके से आपका भी आंसर नीट एंड क्लीन तरीके से वर्किंग नोट होना चाहिए। तो अब गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेज फ्रॉम क्रूतिया 10% ट्रेड 10% है, हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। अच्छा ये लास्ट लेक्चर में हमने बात की हुई थी इसका, तो मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लो फटाफट से। तो देखो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये अमाउंट हमने चेक दिया होगा, ये अमाउंट का डिस्काउंट है, ये अमाउंट अभी भी बाकी है पार्टी के अंदर जाएगा, और ये अमाउंट हमने परचेज की होगी। तो इसी चीज़ को मैं फटाफट से जनरल एंट्री में लिख देता हूँ, फटाफट आप देखो जनरल परचेज क्रूति डिस्काउंट टू बैंक, मैं डाल देता हूँ फटाफट से। अब हुआ क्या आगे जाता है, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट सोल्ड टू निराली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था, इसमें से कुछ हमने 15,000 के गुड्स होंगे उसके ऊपर हमने प्रॉफिट अड़ा दिया, 25 प्रॉफिट सोल्ड टू ने एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैसे जाए, दैट मीन्स 15,000 के गुड्स हमने 16,200 पे हमने दिए हुए, ये चीज तो कहानी ठीक है। अब हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, अच्छा 16,200 का उसने क्या किया, आधा आधा कर दिया। यहां तक मेरा काम हो चुका है, दैट मीन्स 16,200 का हमने सेल्स किया हुआ है, हमने सेल्स कितना किया हुआ है 16,200 का किया हुआ है, उसमें अभी भी निराली के पास से लेने कितने बाकी हैं 8,100 अभी भी बाकी है। ओके कैश कितना आ चुका है 7,290 आ चुका है, और डिस्काउंट कितना हुआ है 810। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहां पे किया हुआ है, वापस से लिख भी लेता हूं फटाफट से, ये हमारा काम हो चुका है। अब हुआ क्यों, निराली ने
650 के गुड्स वापस कर जाए। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, सेल्स रिटर्न में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सेल्स रिटर्न तो निराली 650 कर लेता। कहानी आगे जाती है, हमने जो गुड्स निराली से रिटर्न हुए वो कृति को भेजे। ओ भाई साहब, वापस से क्या हुआ, हमने खरीदा, मुनाफा डाला, बेचा, बेचने के बाद उसने रिटर्न कर दिया और वही चीज रिटर्न करने गए, तो हमें कौन सी फॉर्मूला याद रखनी है, एसपीसीपी। कौन सी फॉर्मूला, एसपीसीपी, बोलो मेरे साथ एसपीसीपी। यस सर, तो एसपी और सीपी। भाई हमने कितने में बेचा था, 16200 पे, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 15000 रुपए। तो 16200, 15000, गुड्स कितने के रिटर्न आए थे, 650 के। तो आप में से कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे फटाफट से बोलेंगे सर 600 600 600, पर आप हो जाओगे गलत, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा है, 601 point something something आ रहा है, आप लोग कैलकुलेटर इसका आंसर आ, इसलिए पॉइंट में कभी हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, इसलिए हम लोग कर देंगे 602 602। क्लियर, डन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ ध्यान में रखनी थी आप लोगों को, तो यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान में रखा करो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब हुआ यूँ, निराली ने पैसा जो भी उसका बाकी था वो उसने दे दिया आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस ऑफ 50 रुपये। तो पहले देखते हैं निराली से लेने कितने थे। अगर मैं बात करूँ, निराली से हमें 8100 अभी भी लेने थे, पर 7 साल में निराली ने कुछ 650 रुपये के गुड्स वापस कर दिए थे। हमने बोला ठीक है भाई, तूने रिटर्न कर दिए तो क्या बात है भाई, हम लोग अपना हिसाब कर लेते हैं भाई। 8100 रुपये के गुड्स थे, मतलब बाकी थे, उसमें से 650 उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब 650 रिटर्न कर दिया तो बाकी रह रहा है हमारे पास कुछ 7450। उसने बोला 50 रुपये मैं नहीं दूंगी, हमने बोला ठीक है भाई, धंधा करते तो क्या बात है, कोई बात, 7400 आ गए, तो हमारे जेब में आए 7400, 50 रुपये डिस्काउंट, और ये हो गया 7450। चलो यहाँ तक क्लियर जा रहा है। अब हम लोग आगे जाते हैं सीक्वेंस नंबर 3, द लास्ट सीक्वेंस जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। सीक्वेंस नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसका आईएमपी क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5000 का 20%, 6000 अमाउंट लिख के डाल दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, कुछ भी चीज समझ लो, इसका आंसर इस तरीके से नहीं आएगा। इसको आंसर को सॉल्व करें, पहले समझो 20% प्रॉफिट इस पे सेलिंग प्राइस पे, और हमें प्राइस दी हुई है कॉस्ट प्राइस की, तो आप ये कर ही नहीं सकते। इसका टेक्निकल मैथमेटिकल चीज बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, दोनों चीजें बता रहा हूँ। पहले मैं मैथमेटिकल में, अगर आपका मान लो, आपका मान लो सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पे होगा, तो प्रॉफिट जो होगा वो आपका कितना होगा, 20 रुपया होगा, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, लॉजिकल से सोचते हैं तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को निकालना पड़ता है, ऐड नहीं करना था, निकालना 80 रुपये। जब 80 रुपये आपका कॉस्ट है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये। तो जब आपका 5000 का कॉस्ट है तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आना चाहिए 6250, आंसर कितना आना चाहिए, 6250। तो हम लोग एंट्री कर देंगे कैश टू सेल्स 6250 6250। अब कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न, सबसे लास्ट वाला इसका शॉर्टकट क्या है सर, ऐसा कुछ आ जाए ऑन सेलिंग प्राइस बोल दिया जाए और हमें कॉस्ट प्राइस की अमाउंट दियो, तब आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो फटाफट से कैलकुलेटर उठा लो, मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ। आपको करना क्या है मेरे साथ, फटाफट से 3-4 बार आपको ऑन का बटन दबाना है, 3-4 बार क्या दबाना है, ऑन का बटन दबाना। अब आपका काम ये कि सबसे पहले कितनी कॉस्ट प्राइस थी, 5000, तो पहले 5000 लिखो, कितना लिखना है, 5000 लिखना है। उसके बाद आपको है ना एक MU करके बटन दिया होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर के अंदर MU करके बटन, वो MU बटन दबाना है। आपके कैलकुलेटर में नहीं है तो होना चाहिए, MU करके मार्कअप बोला जाता है इसे, MU बटन। फिर कितने प्रतिशत बोला है, 20%, तो 20 और परसेंटेज की साइन, 20 और परसेंट 20 और फिर परसेंटेज की साइन दबा देना और इक्वल टू दे देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 6250 डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरीके से, 5000, फिर MU का बटन, फिर 20 का बटन, फिर परसेंटेज का बटन और फिर इक्वल टू का बटन। ये सारे अमाउंट अगर आप लिख दोगे अपने कैलकुलेटर में तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा, कोई मगजमारी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी था भाई। फटाफट से हमारे कौतिलिया के बैच के अंदर चले जाओ, कौतिलिया बैच के सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए, वहाँ पे हम लोग ने सारे नोट्स, ये मतलब स्क्रीनशॉट लेने की जवाबदारी नहीं, वहाँ पे दिए हुए प्रैक्टिस सम्स दिए जो आप प्रैक्टिस कर सको।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम लोग वन शॉट रिवीजन सेशन लेके आ रहे हैं जहां पे सारी चीजें एक ही बार में आपका चैप्टर दिमाग के अंदर फट 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 उस तरीके से हम लोग करने वाले। बहुत सारे बच्चे कौतीले के अंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग वहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से जहाँ पे वो लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग रिव्यूज देते हैं, हम लोग करते हैं। इलेवंथ पूरा हम लोग करने वाले, ट्वेल्थ के एडमिशन्स हम लोग ओपन करने वाले हैं फॉर द प्रीमियम बैच। जो प्रीमियम बैच का दाम होगा वो बहुत ही कम रहने वाला है, उसकी सारी चीज़ें दिवाली के बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे, पर दिवाली के बाद उसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। वी विल बी हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स जहाँ पे हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे, वो भी लाइव, वो भी उस तरीके से कि जनवरी के आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। हम लोग साथ में ही रहेंगे और साथ में ही करेंगे, वो सारी डिटेल्स धीरे धीरे आने वाली है, तो फिर बने रहना क्योंकि ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेंथ की मार्कशीट है ना ज्यादातर काम नहीं आती, पर ट्वेल्थ की मार्कशीट सब जगह पे काम आती है। सही पकड़े हैं। तो उसको तगड़ा करने के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग हमारे साथ रहे, हमारी जो पूरी सिस्टम, हम लोग बर्डन लेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको टाइम टेबल बना के देते हैं, ये चीज़ें आप लोग ने कर ली, आपके स्कोर ऑटोमेटिक आएंगे। और ये हम लोग कोविड के पहले से करवा रहे हैं, तो वैसा भी नहीं है कि कोविड के अंदर अचानक से किया, ये हम लोग कर रहे हैं। हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे बच्चे बीकॉम के लेक्चर्स जो होते हैं वो सारे देख रहे हैं, तो आप लोग भी उस पार्ट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो ये सारी चैनल पे बने रहो। हम लोग धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि ट्वेल्थ को हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और कौन कौन सा इलेवंथ पूरा का पूरा यूट्यूब पर आने वाला है, ट्वेल्थ पूरा का पूरा हम लोग UKIC ऑनलाइन पर करने वाले हैं विथ ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हम लोग सारे पेपर सेट कर लेंगे, सारे MCQs कर लेंगे, सारे चैप्टर्स को कोर तरीके से करेंगे, और वो भी पर्सनलाइज नोट्स में, तो आपको फिजिकल फॉर्म में नोट्स भी आने वाली है, तो वो सारी चीज़ें आएगी जिसके अंदर आपका इजी वे में हो जाए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये सम, हम लोग ने हमारे बच्चों को तो नोट्स देके रखे स्पाइरल पूरी की पूरी, अगर वो आप ऑर्डर करना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर दो, तो वो भी हम आपके वहाँ पे डिलीवर करवा देंगे एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर, तो आपको नोट्स मिल जाए जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है वो करना, जिससे आपको डाइजेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे लेक्चर्स देखो उसमें से करते जाओ, आपकी नोट्स खुद ही बनती जाएगी और खुद ही प्रैक्टिस करते जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो। वो ये सीक्वेंस है कि ये यहाँ पे ये मोस्ट मोस्ट ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ